नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चौधरी और सक्सेस प्लस अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदू मुस्लिम एकता के स्तंभ और सिख धर्म के भी एक इम्पोर्टेंट पिलर संत कबीरदास जी की जीवनी और इनकी रचनाओं के बारे में। संत कबीरदास भक्ति और सूफी मूवमेंट के एक इम्पोर्टेंट संत थे, एक प्रोमिनेंट फिगर थे जिनको हिंदू और मुस्लिम धर्म के लोग बहुत ही ज़्यादा बड़े पैमाने पे सपोर्ट करते हैं। हालांकि हिंदू और मुस्लिम धर्म के अंदर जो कुरूतियाँ हैं उनको खुल के कबीरदास जी ने क्रिटिसाइज किया है, उनके बारे में भी हम बात करेंगे और कबीरदास के जीवन से जुड़ी जो भी कहानियां हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ये हैं संत कबीरदास जी की कुछ फेमस रचनाएं, जिसमें हैं कबीरदास जी का बीजक जो कि एक बहुत ही फेमस बुक है। उसके अलावा कबीर ग्रंथावली, कबीर साखी, अनुराग सागर जैसी किताबें इन्होंने लिखी हैं, जिसमें इन्होंने ब्रज भाषा, हिंदी, हरियाणवी और अलग अलग भाषाओं में जो लोक भाषाएँ थी उस समय, प्रचलित भाषाएँ जिनको लोग ज़्यादा बोलते थे, उनके अंदर अपने जो चौपाइयां हैं और अपने दोहे इन्होंने लिखे। इनके कुछ फेमस दोहे हैं उनको हम पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे और खूबसूरत दोहे हैं ये, इनको हम पढ़ते हैं, इनके अर्थ भी समझते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा ना कोई। और इनका इसका अर्थ क्या है कि जब मैं संसार में बुराई खोजने के लिए चला तो मुझे कोई भी बुरा नहीं मिला, और जब मैंने अपने मन में झांक के देखा तो मुझसे बुरा कोई मुझे नज़र नहीं आया, ऐसा इन्होंने कहा है। और ये बात आपने सुनी भी होगी कि अगर आप बुराई की तलाश में निकलते हैं तो आपको बुराई मिलती है, और आप अच्छाई की तलाश में निकलते हैं तो आपको अच्छाई मिलती है। लेकिन संत कबीरदास जी क्या कहते हैं कि मुझे तो कोई बुराई नहीं दिखा, जब मैंने अपने मन को झांक के देखा तो मुझसे बुरा तो कोई नहीं है। तो संसार को ये बहुत ही एक पॉजिटिव नज़रों से देखते हैं। उसके बाद इन्होंने क्या कहा, बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो बड़ा होने से क्या हो गया, जैसे पेड़ जो खजूर का पेड़ है वो बहुत बड़ा होता है लेकिन उससे किसी को कुछ फ़ायदा होता है क्या? नहीं, तो उससे जो पैदल चलने वाले पंथी हैं उनको छाया मिलती है और फल भी इतनी ऊंचाई पे लगते हैं कि उनको कोई तोड़ नहीं पाता, और इतनी ऊंचाई होने की वजह से ना उसके ऊपर कोई चढ़ पाता है। इसीलिए इन्होंने कहा है कि आदमी को हम्बल होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत एरोगेंट नहीं होना चाहिए। इसलिए बड़ा होने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपको यूजफुल होना ज़रूरी है। उसके बाद इन्होंने कहा वाणी के बारे में क्या कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। तो इसमें वाणी के लिए इन्होंने क्या कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए कि जिससे क्या होता है, सुनने वाले को मन को अच्छा लगे, खुद का मन का जो आपा है वो खो जाए, उससे आदमी पिघल जाए, और औरों को भी शीतल करें, औरों का जो मन है वो भी सुख हो जाए, सुखी हो जाए, और खुद भी सुखी हो जाए, खुद भी इंसान जो है इससे सुन के अच्छा लगे कि हाँ मैंने अच्छा बोला है। उसके अलावा इन्होंने कहा ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। क्या मतलब है, गुरु की इन्होंने यहाँ पे गुरु का इन्होंने एक तरह से बखान किया है। गुरु के लिए इन्होंने क्या कहा है कि ये जो तन है, शरीर है, ये विष से भरा हुआ है, ये पूरी तरह से जो विष से की बेलरी है, और गुरु जो है वो अमृत की खान है, वो तो पूरी तरह से एक अमृत है, और अगर आपका शीश देने से भी, सर देने के बाद भी अगर गुरु आपको, सच्चा गुरु आपको मिल जाए है तो भी ये जो सौदा है ये सस्ता है, महंगा नहीं है। तो अच्छा गुरु मिलना बहुत बड़ी बात होती है, गुरु के बारे में इन्होंने इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया है। उसके बाद इन्होंने कहा सब धरती कागज करूँ, लेखनी सब वनराज, सात समुद्र की मसी करूँ, गुरु गुण लिखना जाए। गुरु के बारे में ही इन्होंने एक और बात कही है कि अगर मैं इस पूरी धरती को कागज बना लूँ और सारे वनों को, सारे जो वन हैं मतलब पेड़ों को लेखनी बना लूँ, कलम बना लूँ, और सातों समुंदरों को क्या बना लूँ, स्याही बना लूँ, तो भी मैं गुरु के गुणगानों को पूरा नहीं लिख सकता। गुरु को इतना इन्होंने महत्व दिया है, इतना गुरु के लिए बोला है कि गुरु की जो महिमा है, गुरु का जो नाम है वो अपरंपार है, उसको आप लिखित में लिख नहीं सकते, इतना ज़्यादा होता है। ये बात इन्होंने कही गुरु के रेस्पेक्ट में। फिर इन्होंने कहा जीवन में मरना भला, जो मरी जान कोए, मरना पहिल जो मरे अजय अमर सो होए। मतलब जीते जी मरना अच्छा है, इसका मतलब क्या है, देखिए दो तरीके की बातें होती है। एक तो जीते जी मर जाना नेगेटिव सेंस में क्या होता है कि आदमी जीते जी ही कुछ भी नहीं है उसके पास, वो अपने आप को मरा हुआ समझ रहा है, वो उसका जीवन व्यर्थ है, एक तो वो है। और इनका जो कहने का तात्पर्य है वो ये है कि अगर आदमी जीवन मरण से अगर अपने आप को मुक्त कर लेगा और वो समझेगा कि मैं मरा हुआ हूँ, मेरा ये जी पहला दिन है और यही आखिरी दिन है, आखिरी दिन की तरह जिएगा हर इंसान उस दिन को, तो उसमें वो बहुत कुछ कर सकता है, उसको मरने का डर नहीं रहेगा। तो इसीलिए अगर जीते जी कोई मरता है तो उसके लिए ये अच्छा है।
मरने से पहले मर लेने से आदमी अजर और अमर हो जाता है। वो उसको कोई डर नहीं रहता कि वो बूढ़ा होगा, वो एक दिन मर जाएगा, मौत का डर उसको नहीं सताएगा, इस तरीके की बातें उन्होंने कही हैं। तो इसलिए अहंकार मुक्त जीवन जीना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कबीरदास जी के बारे में। 15th century के ये एक इम्पोर्टेंट पोएट थे, संत थे, जिन्होंने भक्ति मूवमेंट को आगे बढ़ाया, सूफी मूवमेंट को आगे बढ़ाया। उसके अलावा इन्होंने लिटरेचर में ही काम नहीं किया, बल्कि ये एक बहुत ही महान थिंकर थे, सोशल रिफॉर्मर थे। क्योंकि ये जो भक्ति और सूफी मूवमेंट हुआ था 15वीं शताब्दी में 16वीं शताब्दी में, उसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियोज़ भी बनाए हैं, बहुत सारे अलग अलग संत और उसमें अलग अलग लोग हुए हैं, ठीक है। तो उसमें इन्होंने बहुत बड़ा योगदान निभाया है। इन्होंने अलग अलग धर्मों में चलती आ रही कुरूतियों को क्रिटिसाइज़ किया, धर्म के रास्ते बताए, और एक नया जो मोटिव था लोगों को, एक नया तरीका बताया कि आप इस तरीके से भी भक्ति कर सकते हैं। मूर्ति पूजा के ये कट्टर विरोधी थे, और जो जात पात का भेदभाव है उसके कट्टर विरोधी थे, और इसी तरीके की जो कुरूतियाँ हिंदू मुस्लिम और अलग अलग धर्मों में हैं उन सभी को ये क्रिटिसाइज करते थे। तो इंडियन कल्चर के अंदर एक इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, भारतीय समाज को इन्होंने काफ़ी कुछ सिखाया है, इन्होंने लोगों को एक सही तरीका बताया कि किस तरह से लाइफ को जीनी चाहिए, ये बात है। उसके अलावा दो तरीके की भक्ति होती हैं, एक होती है सगुण भक्ति, एक होती है निर्गुण भक्ति। तो ये निर्गुण भक्ति धारा के एक इम्पोर्टेंट संत थे। निर्गुण भक्ति धारा मतलब सगुण भक्ति में तो मूर्ति पूजा को माना जाता है कि मूर्ति पूजा की जा सकती है, निर्गुण भक्ति में मतलब आप मूर्ति पूजा ना करो, मूर्ति पूजा नहीं करनी है। उसके बारे में इन्होंने एक बात भी कही, आगे मैं आपको बताऊंगा। देखिए एक दोहा है इनका कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहार, याते चाकी भली पीस खाए संसार। कि अगर पत्थर पूज जाने से भगवान मिल जाएंगे तो मैं पहाड़ को पूज लेता हूँ, अरे इससे तो चक्की भली, जो आटे की जो चक्की है, जो पत्थर से पाट से बनी है, जिससे कम से कम संसार पीस के तो खा लेता है, अपना गुजारा तो कर लेता है, अपना पेट तो भरता है। तो इतने ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे, क्रिटिक थे, कहते थे कि ये नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए निर्गुण धारा के ये इम्पोर्टेंट भक्ति काल के इन्फ्लुएंशियल फिगर थे, जिनके जो फॉलोअर हैं वो सिख धर्म, हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म तीनों में फॉलो किए जाते हैं। तो इनकी अगर कहानी आप जब पढ़ोगे तो आपको कई बार ऐसी बात पता चलती है कि ये हिंदू थे या इस्लाम में थे, मुस्लिम थे। कई लोग जो हैं वो हिंदू और मुस्लिम लोग जो इस चीज़ के ऊपर लड़ते हैं कि हमारे फिगर हैं, वो कहते हैं हमारे फिगर हैं। तो ये बात हम करेंगे, इनसे जुड़ी हुई एक इम्पोर्टेंट कहानी भी है, उसको भी समझेंगे। तो इनके जो टीचर थे वो हिंदू भक्ति लीडर रामानंद थे, वो भी निर्गुण भक्ति धारा के ही एक इम्पोर्टेंट संत हुए हैं। उसके अलावा इन्होंने, जैसा कि मैंने कहा कि हिंदू और इस्लाम दोनों ही धर्मों में जो भी ऐसी चीज़ें थी क्रिटिक्स, जो भी जैसे मूर्ति पूजा हुई, इस्लाम में अजान का जो लाउडस्पीकर पे बोलना है उसके ऊपर भी इन्होंने एक दोहा लिखा था कि क्या जो है इसको बोलने की ज़रूरत है इतना तेज़, क्या ईश्वर बहरे हैं उनको सुनाने के लिए, क्या इतना ज़ोर से बोलना चाहिए, ऐसी ऐसी बातें इन्होंने कही हैं। और इनके जो स्क्रिप्चर्स हैं, इन्होंने जो चीज़ें वर्सेज लिखे हैं, वो गुरु ग्रंथ साहिब जो सिख धर्म की सबसे इम्पोर्टेंट किताब है, सबसे होली बुक है, उसमें भी इनके बारे में है, इनके जो दोहे हैं वो लिखे हुए हैं। तो सोचिए कितने इम्पोर्टेंट व्यक्ति थे ये। उसके बाद इन्होंने कहा कि देखिए राइट रास्ता क्या है, सभी क्रिएचर जो हैं धरती पे, जो भी क्रिएचर है उस सभी के अंदर ईश्वर हैं, हर कण कण में जैसे भगवान है, वो बात ये मानते थे। और ये जो इनकी फिलोसॉफी है इसमें ये कहा कि आप ये मत करिए कि आप मंदिर जाओगे तो ही ईश्वर के दर्शन होंगे, मूर्ति पूजा करोगे, नहीं, ईश्वर तो आपके अंदर ही हैं, आपको अपने अंदर ईश्वर की तलाश करनी है, इस तरीके की बातें इन्होंने कही। और ये जो फिलोसॉफी है इसको, ये जो हम अद्वैत फिलोसॉफी कहते हैं, उसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। इसके अलावा इन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर जो है इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, इसको हटाने के लिए इन्होंने काफ़ी सारी बात काम करे, सोसाइटी को इम्प्रूव करने की इन्होंने बात की। हालांकि वो जो दौर था उस समय, आप समझ सकते हैं कि उस दौर में अगर कोई व्यक्ति धर्म के खिलाफ अगर कुछ बात बोलेगा तो बहुत सारे लोग उनके खिलाफ भी होंगे, उनका विरोध भी करेंगे। तो ऐसी चीज़ें भी इनको भी फेस करनी पड़ी थी अपने जीवन में। बाद में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर बन गए, लेकिन उस समय भी जो लोग इनको फॉलो करते थे वो इनके एक कट्टर और ट्रू फॉलोअर्स थे। इसके बाद इन्होंने हिंदी लिटरेचर में तो काम किया ही है, लेकिन ब्रज, हरियाणवी, पंजाबी, अवधी, राजस्थानी, खड़ी, इन सभी भाषाओं में, इन सभी डायलेक्ट्स में इन्होंने अपनी कंपोजिशंस लिखी हैं, इतने दोहे लिखे हैं, अपनी चौपाइयाँ लिखी हैं। अब बात आती है इनके जन्म और इनके मरण की, तो एकदम सर्टेन डेट्स जो हैं वो क्लियर नहीं हैं। अलग अलग हिस्टोरियंस अलग अलग बातें करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये 1398 में पैदा हुए और 1448 में इनकी डेथ हुई, लेकिन कुछ लोगों का मानना है, ये ज़्यादा सटीक माना जाता है, कि 1440 में इनका जन्म हुआ और 1518 में इनकी डेथ हुई है। और इनका जन्म जो है वो हिंदू धर्म के जो महीने हैं उसमें ज्येष्ठ महीना, जो तीसरा महीना होता है, उसकी पूर्णिमा को हुआ था, इसी 1440 की साल में।
अब बात करते हैं, सॉरी हाँ दो तरीके की बातें हैं। उसके बाद है स्टोरी बिहाइंड बिहाइंड द कबीर जो बर्थ है इनके बारे में, जो इनके बारे में एक बहुत ही, अब ये यहाँ से आपको क्लियर होगा कि कई हिंदू कहते हैं कोई मुस्लिम कहता है, तो दो तरीके की बातें क्यों होती हैं। ऐसा माना जाता है कि कबीर दास जी की जो माँ थी वो एक ब्राह्मण महिला थी और वो अपने पिता के साथ एक बार एक साधु से मिलने गई और उन साधु की उन्होंने सेवा करी। सेवा करने के बाद वो जो साधु थे उन्होंने इनको वरदान दिया, उनको इनसे इम्प्रेस होकर उन्होंने ब्लेसिंग दी कि उनको एक बेटा होगा, वो बेटा बहुत ही मशहूर होगा और उसका नाम लिया जाएगा आगे चल के, वो इतना मशहूर होगा। लेकिन इनकी जो माता थी उनकी शादी नहीं हुई थी और शादी ना होने के बावजूद भी उस आशीर्वाद से कबीरदास जी का जन्म होता है। कबीरदास जी का जन्म होता है तो समाज के डर से, क्योंकि एक कवारी लड़की को एक बेटा कैसे पैदा हो गया, इस डर से उन्होंने अपने बेटे को त्याग दिया, अबंडन कर दिया। और अबंडन करने के बाद एक और महिला थी, मुस्लिम महिला थी जिनका नाम था नीमा, उन्होंने कबीरदास जी को अडॉप्ट किया, इनको गोद ले लिया। अब ये बात आती है, एक और कहानी भी है, वो ये कही जाती है कि इनका जो जन्म हुआ था वो जिस महिला से हुआ, ये ब्राह्मण महिला थी लेकिन एक उनकी अथेली से जन्म हुआ था कबीरदास जी का, जो यूजुअल नहीं था, अनयूजुअल था। तो मतलब ये लेजेंड्स में, ये कहानियों में कहा गया है, क्या सच है और क्या नहीं है वो हम उस तह तक नहीं जा सकते, लेकिन ये इनके बारे में कहानी है। तो उनकी हथेली से पैदा हुए, लेकिन फिर भी इस कहानी में भी यही कहा जाता है कि नीमा नाम की एक मुस्लिम महिला ने इनको अडॉप्ट कर लिया था। तो बेसिकली हिंदू घर में पैदा हुए, एक मुस्लिम महिला ने उनका पालन पोषण किया, और आप जानते हैं कि पालने वाला और जो जन्म देने वाला है दोनों में आप कोई कंपेयर नहीं कर सकते, कहते हैं कि पालने वाला जो है वो बड़ा होता है जन्म देने वाले से भी। तो ये जन्म से हिंदू थे लेकिन इनकी सारी परवरिश एक मुस्लिम परिवार में हुई, और उसके बाद इनके जो गुरु थे वो एक हिंदू भक्ति मोमेंट के एक इम्पोर्टेंट संत थे। तो इस तरीके के थे, तो ये हिंदू और मुस्लिम में ऐसे संत को बांटना भी नहीं चाहिए और हैं भी नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इनके शब्द भी खुद बताऊंगा कि ये खुद क्या कहते थे अपने बारे में आगे। तो भक्ति मूवमेंट के संत उस समय एक इम्पोर्टेंट स्वामी रामानंद नाम के एक व्यक्ति थे, उसके पास ये गए कि उनको सीखना था, कि अब उनको गुरु ज्ञान चाहिए था, उनको एक गुरु चाहिए था। तो गुरु की इम्पोर्टेंस आप समझते हैं एक लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस होती है, आप जानते होंगे कि हमने विवेकानंद जी की बायोग्राफी की, तो उनको रामकृष्ण परमहंस जैसे उनके गुरु मिले थे, तो इनको भी रामानंद जैसे गुरु मिले वाराणसी में। इनकी फिलोसॉफी थी अद्वैत फिलोसॉफी, अद्वैत फिलोसॉफी जो शंकराचार्य की फिलोसॉफी है, जिसमें यही कहा कि गॉड जो है वो हर आदमी के अंदर है, उसको बाहर खोजने की जरूरत नहीं है, हर व्यक्ति के अंदर ही भगवान का निवास है। तो ये अद्वैत फिलोसॉफी कहती है। इसकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको हम अलग पढ़ेंगे, जब सिक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसॉफी हम पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद कबीरदास जी जो हैं अपने गुरु के पास जब जाते हैं कि उनको लेसन चाहिए सीखने के लिए, उनको एक बार के लिए मना कर देते हैं कि ये जो व्यक्ति हैं, सॉरी आगे चल के पहले उस पर ही बात कर लेते हैं कि ये जो गुरु रामानंद जी हैं ये इनके गुरु कैसे बने। तो गुरु रामानंद जी के पास पहले जाते हैं संत कबीर, कहते हैं कि आप हमें शिक्षा दो, हम आपके शिष्य बनना चाहते हैं। तो रामानंद जी इनको एक बार के लिए मना कर देते हैं। मना करने के बाद कबीरदास जी भी हटी होते हैं, उनका मानना होता है कि कभी ना कभी तो ऐसा दिन आएगा कि रामादास जी जो हैं वो इनसे प्रसन्न होंगे और इनको अपना डिसाइपल मानेंगे और इनको शिक्षा देंगे। और उसी दौरान ये क्या है, रोज़ इनके आश्रम के पास जाते थे, जहाँ से संत रामानंद जी निकलते थे वहाँ पे जाके बैठ जाते थे। एक दिन क्या हुआ कि एक पौंड था, एक तालाब था, वहाँ की सीढ़ियों पे कबीरदास जी लेटे हुए थे, सो रहे थे और राम नाम जप रहे थे, राम 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 के मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। उसी दौरान क्या हुआ कि रामानंद जी जो हैं वो उस तालाब में नहाने के लिए आए और वो सीढ़ियों से उतर रहे थे जिस समय, तो उस समय क्या हुआ कि इनका जो पैर है रामानंद जी का वो कबीरदास जी को लग गया। अब कबीरदास जी को जब पैर लग गया उनका, तो उनको उससे वो क्या हुए कि गिल्ट में चले गए, उनको लगा कि ये क्या हो गया, किसी व्यक्ति को मेरा पैर नहीं लगना चाहिए, अपने इस तरीके के वो विचार रखते थे। तो उसकी वजह से इन्होंने इनसे माफ़ी मांगी, माफ़ी तो नहीं, फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको अपना डिसाइपल मान लेता हूँ, अपना शिष्य मान लेता हूँ। इन्होंने यही मांगा कि आप मुझे अपना शिष्य मान लीजिए, मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ। तो ये कहानी ऐसे शुरू होती है कि गुरु कैसे बने हैं, ये बात है। उसके बाद इन्होंने क्या क्या किया है, देखिए कितनी सारी इन्होंने चीज़ें लिखी हैं, जैसे मैंने कहा बीजक है, कबीर गीतावली है, अनुराग सागर है, साखी ग्रंथ है, ऐसी किताबें इन्होंने लिखी हैं। और इनका नाम ना केवल भारत में बल्कि इंटरनेशनली ये एक इम्पोर्टेंट फिगर है, क्योंकि भारतीय जो समाज है, इंडियन कल्चर जो है, उसमें कबीरदास जी का एक इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है, स्पेशली भक्ति मोमेंट में, सूफी मोमेंट में। उसके बाद इन्होंने रिलीजियस कम्युनिटी के नाम पे एक कबीर पंथ की शुरुआत हुई,
इन्होंने कोई पंथ शुरू नहीं किया था, हालांकि इनके नाम पे कबीर पंथ शुरू हो गया। जो लोग इनको फॉलो करते थे, इनके विचारों को फॉलो करते थे, इनकी फिलोसॉफी को फॉलो करते थे, उन लोगों को कबीर पंथी कहा जाने लगा। और कबीर पंथी जो है वो सभी धर्मों से आते थे, उसमें हिंदू के लोग भी थे, इस्लाम के लोग भी थे, सिखिज्म के लोग भी इनको फॉलो करते थे। तो कबीर पंथी वो आगे चल के बन गए। इनके नाम पर काफ़ी चल के आगे ऑर्गेनाइजेशंस भी बनी। इनकी जो फिलोसॉफी है उसमें इन्होंने कहा कि देखिए, धरती पे अलग अलग धर्मों में बंटवारा करना ये सब मिथ है, ये सब गलत चीज़ है। और ऐसे संत थे जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को प्रमोट किया, इन्होंने यूनिवर्सल पाथ बताया हिंदू और मुस्लिम्स के लिए। इन्होंने कहा कि ऐसा रास्ता अपनाओ कि दोनों फॉलो कर सकूं। जीवात्मा और परमात्मा का जो स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है उसको दिया कि मोक्ष क्या है। जो इनलाइटनमेंट बोल देता है, कोई मोक्ष बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है, कोई इसको अलग अलग शब्दों से, कोई निर्वाणा बोल देता है, ऐसी चीज़ें बोली जाती हैं। तो मोक्ष को इन्होंने कहा कि ये जो जीवात्मा है, यानी धरती पे जो जीव रहते हैं उनकी जो आत्मा है, और परमात्मा यानी साक्षात ईश्वर जो हैं उनका जो मिलन है, ये दोनों जो यूनाइट हो जाते हैं, यही मोक्ष है, यही एक डिवाइन प्रिंसिपल है। इन डिवाइन दो चीज़ों को मिक्सचर होना, जो जीवात्मा और परमात्मा का मिलन ही क्या है, मोक्ष की प्राप्ति है, इसके बारे में इन्होंने कहा। उसके बाद कबीर जी का जो एक जर्नल व्यू था स्पिरिचुअलिटी को लेकर, वो काफ़ी पॉपुलर हुआ। इसकी वजह से काफ़ी लोग इनको फॉलो करते थे। ये वननेस ऑफ गॉड में बिलीव करते थे कि ईश्वर एक है, एक ईश्वरवाद में बिलीव करते थे। ऐसा नहीं कि अलग अलग धर्मों के लोगों के लिए अलग अलग ईश्वर हैं। इन्होंने मूर्ति पूजा को हिंदुइज्म में जो है उसको काफ़ी रिजेक्ट किया। उन्होंने वो जैसा कि मैंने कहा था कि पत्थर पूजने से कुछ नहीं होगा, ऐसी बातें कही, और ईश्वर को एक कहा, अपने अंदर झांकने को कहा। भक्ति और सूफी मूवमेंट के जो आइडियाज़ थे उनको प्रमोट किया। रिचुअल और जो एसेंटिक मेथड्स थे सेल्वेशंस को और मोक्ष को प्राप्त करने के, उनको इन्होंने क्रिटिसाइज किया। उसके बाद इन्होंने ये कहा कि जो ईश्वर है उसको प्राप्त करने का, मोक्ष को प्राप्त करने का एक तरीका है कि दया भावना हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, फॉरगिवनेस होनी चाहिए, और ये हर इंसान के अंदर नहीं होती है। तब तक जब इंसान के अंदर ये नहीं होती, तब तक वो ईश्वर का साथ साक्षात्कार नहीं कर सकता, उसके अंदर वो जीवात्मा और परमात्मा का मिलन नहीं हो सकता। तो इसलिए इन्होंने जो फॉरगिवनेस है, जो इसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। उसके बाद टीचिंग्स की बात करें तो ह्यूमैनिटी, मॉरलिटी, स्पिरिचुअलिटी के लेसन्स इन्होंने दिए। अहिंसा का पाठ लोगों को पढ़ाया। उसके अलावा एक जो आम व्यक्ति के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए उसको लेकर इन्होंने बहुत सारे दोहे लिखे हैं, ऐसी चीज़ें इन्होंने कही। और कभी भी किसी भी धर्म के बीच में इन्होंने कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं किया कि इनका कोई भी डिसाइपल आ रहा है उसका क्या धर्म है, क्या वो करता है, कोई मतलब नहीं था इनको। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, या कोई और रिलीजन का व्यक्ति हो, सबको बराबरी का दर्जा देते थे कबीरदास जी। उसके बाद इनकी जब डेथ होती है तो यहाँ पे भी जुड़ी हुई एक कहानी है। ऐसा माना जाता था कि वाराणसी में कोई व्यक्ति किसी की डेथ होगी तो वो सीधा स्वर्ग जाएगा, और मगहर एक सिटी और है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे किसी की डेथ होगी तो वो सीधा नरक जाएगा, ऐसा मानना था। तो इस मिथ को तोड़ने के लिए कबीरदास जी ने कहा कि मैं अपने अंतिम समय पे मगहर रहूँगा, यहीं पे इनका जन्म भी हुआ था, तो यहीं पे मरना चाहते थे, यहीं पे आखिरी सांसें लेना चाहते थे। कि लोगों के मन में ये जो मिथ है कि मगहर के लोग क्या सभी नरक जाएंगे, ऐसी बातें हैं, तो मैं यहीं पे मरूंगा। यहाँ पे इनकी डेथ होती है जैसा कि मैंने बताया था आपको। उसके बाद 16वीं शताब्दी में इनकी डेथ होती है, तो इनके जो फॉलोवर हैं हिंदू और मुस्लिम रिलीजन के, वो आपस में इस चीज़ के लिए लड़ने लग गए कि कबीरदास जी तो हिंदू हैं, हिंदू लोग ये कहने लगे, मुस्लिम लोग कहने लगे कि ये तो मुस्लिम हैं, इसलिए जो इनका फ्यूनरल होगा वो हमारे रिचुअल से होगा। दोनों आपस में लड़ने लग गए। लेकिन फिर जब इन्होंने उस समय इनको दर्शन दिए कबीरदास जी ने डेथ के बाद, और इन्होंने क्या कहा, इनके शब्द क्या थे कि मैं न तो कभी हिंदू था और न ही मुस्लिम था, मैं दोनों ही था, और मैं कुछ भी नहीं था, मैं या तो सब कुछ था या मैं कुछ भी नहीं था, और मैं दोनों में जो ईश्वर का आपने बोला हुआ है मैं दोनों को ही साक्षात्कार देख सकता हूँ, मैं दोनों के लिए समान तरीके से इज्जत रखता हूँ, और मैंने जो चीज़ें आपको बताई हैं मेरे हिसाब से तो वही है ईश्वर का साक्षात्कार। ईश्वर तो एक ही है, आप उसको दो भागों में डिवाइड मत करो। और उसके बाद इन्होंने कहा कि और बाकी आप अगर चमत्कार देखना चाहते हो तो इनका जो श्रॉड है, इनका जो कफन है, उसको उतार के देखो। जब ये कफन उतार के देखा तो इन्होंने क्या देखा, वहाँ पे हिंदू और मुस्लिम जो इनके फॉलोअर थे उन्होंने देखा कि उसके अंदर कोई डेड बॉडी है ही नहीं। उस समय जो डेड बॉडी जहाँ पे रखी थी वहाँ पे क्या मिला इनको, बहुत सारे पुष्प मिले, फूल मिले। उन फूलों को इन्होंने बांट लिया हिंदू और मुस्लिम लोगों ने, और अपने अपने रिचुअल से इन फूल को जो है अंतिम संस्कार उस तरीके से कर दिया, किसी ने बहा दिया, किसी ने गंगा में, किसी ने कुछ कर लिया, तो वो चीज़ें इन्होंने करी। तो ये चीज़ थी, इस तरीके के व्यक्ति थे। तो चमत्कारी व्यक्ति थे,
एक हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे। उसके बाद इनकी एक बहुत बड़ी लिगेसी है। कभी शोध संस्थान जैसे इंस्टीट्यूट इनके नाम पे शुरू हुए, जिनके वजह से क्या होता है कि कबीरदास की जो टीचिंग है उनकी, उनको आगे प्रमोट करना किया जाता है। उनकी समाधि बनी, इनकी मजार बना जहाँ पे इनका जो ये जो जगह थी मगहर सिटी में, वहाँ पे इनका मजार भी बनी मुस्लिम लोगों के, क्योंकि उनके लिए भी एक इंपॉर्टेंट फिगर थे। तो इस तरीके की चीज़ें रही और इनके नाम पे बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बने। इनकी जो टीचिंग्स हैं उनको हम स्कूल टाइम में भी पढ़ते हैं, इनके दोहे पढ़ते हैं और बहुत कुछ है। कबीरदास जी के दोहों को हम हिंदी में सिर्फ ऐसे पढ़ लेते हैं रटने के लिए और ऐसे, लेकिन उन दोहों के अगर भावार्थ पढ़ दोगे तो बहुत ही डीप मीनिंग है उनके और बहुत ही कमाल के हैं, जो कि उन्होंने अपने भक्ति और सूफी मूवमेंट में अपने फॉलोअर्स को जो टीचिंग्स दी थी, अपनी फिलोसॉफी को उन्होंने दोहों के माध्यम से लोगों तक पहुँचाने के लिए एक आसान तरीका ढूंढा कि ब्रज भाषा में भी लिखा, हरियाणवी में भी लिखा, हिंदी में भी लिखा, खड़ी भाषा बोली में भी लिखा, तो इस तरीके के डायलेक्ट्स में इन्होंने लिखा है। तो होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सक्सेस प्लस अकेडमी के बाकी प्लेटफॉर्म्स के साथ भी जुड़िएगा। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू सो मच, एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।